नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। और चलिए आज बात करते हैं 2 मेगापिक्सल की दुनिया में क्या चीज़ें बदली हैं और क्या चीज़ें बदल जाएगी 2022 में। और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे 2 मेगापिक्सल की ये DVR बंद हो जाएगी और ये कैमरे जो मैं आज बताने वाला हूं वो भी बंद हो जाएगी। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि फ्यूचर में आप जो डिसाइड करेंगे 2 मेगापिक्सल के कैमरे को कौन सा बेहतर होगा, कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा, वो आप क्लियर समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे DVR के बारे में। DVR मैं आपको क्लियर कह देता हूं, जो आप नोट कर लें, HQHI का मेटल बॉडी वर्सन बंद हो जाएगी 2022 में। ये चीजें देखने को मिलेगी आपको मिड 2022 तक। मेटल बॉडी आपको खत्म हो जाएगी या फिर आने बंद हो जाएंगे। बदले में क्या होगा ये आपको पहले से पता होगा, आंसर क्लियर होगा कि IDS सीरीज को कंपनी प्रमोट कर रही है, AcuSense सीरीज को कंपनी प्रमोट कर रही है। तो AcuSense के कैमरे और AcuSense के DVR अपग्रेड हो गए, यानी कि IDS सीरीज के HQHI M1/S या फिर FA वाले DVR ज़्यादा प्रमोट होंगे और वही DVR आपको परचेज अब से कर लेनी चाहिए। मेटल बॉडी HQHI में परचेज ना करें तो बेहतर होगा, ये मेरी राय है आप सभी को। इसके साथ साथ प्लास्टिक बॉडी की बात करते हैं तो प्लास्टिक बॉडी की क्वालिटी में हो सकता है, क्योंकि हिकविजन जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लाती है और जिस तरीके से अपग्रेड करती है, तो HQHI की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो सकती है और आपको प्राइस भी कम होते देखने को मिलेगा 2022 में, अगर कुछ सिचुएशन फिर से लॉकडाउन वाले नहीं हुई तो प्राइस कम होते हुए दिखाई पड़ेगा, प्लस क्वालिटी कम होगी और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स भी जुड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे HQHI के 7A सीरीज यानी कि प्लास्टिक बॉडी सीरीज में। चलिए अब बात करते हैं इको मॉडल का क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। इको मॉडल ज्यादा सेल हो रहे हैं बट आपको इको वर्ड खत्म होता दिखाई पड़ेगा और आप पिछले 1-2 महीने से भी ये चीजें नोट कर रहे होंगे कि इको वाले DVR अब बंद हो जाएंगे और उसकी जगह कौन ले लेगा, HGHI K1 वाला। जी हाँ, यानी कि आपका लाइट मोड में वो चीज़ें 1080 पिक्सल के कैमरे चलेंगे बट वो अपग्रेड होकर H.265 वर्सन में हो जाएंगी, यानी कि इको खत्म, अब इको की जगह थोड़ा अपग्रेड DVR ले लेगा। लेकिन यह चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हिकविजन के इको DVR जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जो HGHI K1 जगह ले लेगी, उस DVR के बदले प्रमा अपने जो इनिशियल स्टेज वाला जो DVR है यानी कि PT-DR-1A-0408 और 16G-K1 वाले DVR को प्रमोट करें जो कि प्रमा का इको DVR है, तो फिर ये बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपको 2022 के शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इको वाले आपको मार्केट में भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कैमरे की। सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तो यहाँ पर है IP इको यानी कि इको लाइट वाले जो सबसे सस्ते वेरियंट यानी कि बिंदी वाले IR LED वाले जो कैमरे हिकविजन ने लॉन्च किए थे, उस कैमरे को आप बंद होता देख सकते हैं। वो कैमरा आपको हिकविजन में देखने को नहीं मिलेगा, उसके जगह में आपको जस्ट वही कैमरा आपको प्रमा वाले प्रमोट होते हुए दिखाई पड़ेंगे और प्रमा के उस वेरिएंट में आपको मिल सकते हैं, यानी कि IP इको लाइट वाला कैमरा बंद हो जाएगा। अब इसके बाद IRP इको की बात करें तो IRP इको एक अच्छा कैमरा माना जा रहा है अब तक, प्राइस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उस प्राइस रेंज में अच्छी क्वालिटी वो दे पाती, बट नाइट विजन बेहतर नहीं है क्योंकि IR LEDs देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपको मिड 2022 में ये चीज़ें आपको या शुरुआत में देखने को मिले कि IR LED बंद हो जाएंगे उसमें और आपको XIR या स्मार्ट IR वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिले, जिससे कि नाइट विजन आपको बेहतर मिलेगा। कुछ ब्रांड ने तो शुरुआत भी कर दी है, CP+ को मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने अपने इको के कैमरे में स्मार्ट IR को देना शुरू कर दिया है, तो यानी कि टूरेट टेक्नोलॉजी पर वो जाना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें आपको एक विजन में भी देखने को मिलेगी 2022 में। अब बात करते हैं कि कौन सा कैमरा बंद हो जाएगा, तो IRPF वाला कैमरा जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले 2-3 महीने से कि वो मार्केट में प्रचलन में भी नहीं है और मार्केट में मिल भी नहीं रहे हैं और ये आपको बंद होता दिखाई पड़ेगा, यानी कि IRPF वाले कैमरे बंद हो जाएंगे, जगह उसका ले लिया जाएगा IT PF वाला कैमरा यानी कि स्मार्ट IR वाले
वाले कैमरे उस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं होगी कि आपको WDR और 3D DNR की अपग्रेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आपको सस्ते कैमरे में भी देखने को मिल जाए, यानी कि 1200-1300-1400-1500 के रेंज में जो कैमरे आते हैं उसमें भी WDR देखने को मिल सकता है, आपको 3D DNR देखने को मिल सकता है। क्योंकि यह एक बेसिक नीड अब बन चुकी है, लोगों तक ये अवेयरनेस भी फैल चुका है हमारे माध्यम से, कंपनी के माध्यम से और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि ये चीज़ें सिक्योरिटी कैमरे की क्वालिटी को कितनी इम्प्रूव करती है। यानी कि आपको इको वाले कैमरे को छोड़कर बाकी कैमरे में WDR देखने को मिलेगी, बाकी कलर व्यू टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो रही है और आपको कलर व्यू में जो प्लास्टिक बॉडी की सीरीज थी उसमें भी WDR और 3D DNR देखने को मिल सकते हैं। बाकी PIR XF सायरन वाले हैं या PIR XOS जो नया लॉन्च हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें कि कस्टमाइज ऑडियो भी दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बदलाव होते हुए दिखाई पड़ेगी 2022 में और काफ़ी और भी इम्प्रूवमेंट होंगे CCTV सिक्योरिटी सिस्टम के इंडस्ट्रीज में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। और लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डेली मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ, तो लाइव में जरूर जुड़िएगा, आपकी जो प्रॉब्लम वो जरूर बताइएगा, मैं जितना हो सकता मैं कोशिश करता हूँ कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ। धन्यवाद।